मैं सकलैन और अंबर को लेकर जा रहा हूँ कहीं घूमने। भाई देखते हैं किस जगह पे जाना है। इससे पहले मैं भी अभी फैमिली के साथ नया नया हूँ तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। मैं गूगल पे ही कुछ भी सर्च करना होता है, फैमिली पार्क, बेस्ट फैमिली पार्क ऐसा। तो किंग अब्दुल्ला भी घूम लिया, इस्लाम भी घूम लिया, अभी एक और जगह है, एक वादी है, उस जगह पे मैं जा रहा हूँ अभी। तो ये सकलैन और जो अंबर है वो बैक साइड पे सीट पे खेल रहे हैं। तो फिलहाल मैं शारा वशम जो है उसके पास हूँ, यहाँ से मैं डायरी लेके तो तरीक मलक फात पे जाने वाला हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ अभी। तो सकलैन और अंबर जो है बहुत ज्यादा खुश है। सकलैन वो मछली वाले में जाना है जहाँ तालाब है, तो एक दिन पहले भी हम वहाँ पर गए थे तो लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था। अपना डिवाइस ये छोटा चार्जिंग पे लगा रखा है बड़ी डिवाइस में, तो ये बड़ी डिवाइस में चार्ज होता है, बाद में इसको आप निकाल के 25 मिनट तक बाहर वीडियो बना सकते हैं, और इसके साथ अगर आप बनाएंगे तो 70 मिनट तक ये वीडियो बनाता है। रास्ते में रुक के पानी लेना है बच्चों के लिए। कैमरा जो है एक्शन मैंने अपना कर लिया ऑन। यहाँ पे बकाला है तो बकाले पे मैं अभी पानी लेने जा रहा हूँ। ये आ गए हैं गहराई में। ये एरिया जो है रियाज के नॉर्मल एरिया से बहुत ज़्यादा नीचे है, और इसका नाम वादी नुमार है। और यहाँ पर अभी मेरा दूसरी बार आना हुआ है। एक बार मैं पहले आया था तो वो रात का था टाइम, यौमुल वतनी का दिन था, तो अभी दूसरी बार आया हूँ, प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब दोस्तों को भी बताऊँ इस एरिया में जो रियाज में रहते हैं वो इसको ज़रूर विज़िट करें। ये आ गया जी पानी। पहुँच गए जी पानी, पानी यहाँ पर खड़ा है तो इस जगह पे भी पहुँच गए हैं, आपको विज़िट करवाते हैं। ये है जी वादी नुमार, और यहाँ पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, सामने आपको घास नज़र आ रही है और ये कैटफिश घूम रही है जो ज़्यादा बड़ी है, बाकी सब छोटी हैं। तो मुझे वैसे भी फ़िश के इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन सी नस्ल है ये, लेकिन ये कैटफिश का मुझे पता है। और ये कहाँ तक फैली हुई है आप देख ही रहे हैं। ये दोनों बड़े खुश हैं क्योंकि ये पहली बार मछलियां देख रहे हैं ऐसे, इन्होंने पहले ऐसे मछलियां नहीं देखी। नहीं, ये है जी मेरा इंस्टा 360 GO3 कैमरा, और इसकी जो छोटी डिवाइस है मैंने निकाल के जो है पानी में रखी है, अभी वीडियो बना रहा हूँ अंडर वाटर। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं छोटी छोटी, तो जिसकी वीडियो बना रहा हूँ वो भी इसी के साथ अपलोड करूँगा। और वो सामने एक बत्तख घूम रही है, डकी भाई घूम रहा है, और ये भी एक डकी भाई घूम रहा है। और बाकी ये कैमरे की जब वीडियो बनेगी एक्शन कैमरे की, ये पानी में बना रहा हूँ तो इसमें आप भी इसी वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि मछलियाँ जो है अंदर का कैसे सीन नज़र आता है। ये पड़ा हुआ कैमरा भी, और ये वाटरप्रूफ है, इसको 16 फीट तक जो है पानी में लेके जाएं तो कोई टेंशन नहीं है, ये वीडियो बनाता है इजीली। तो अभी इसके पास मछलियाँ आएंगी, ये देखें छोटी छोटी घूम रही है ना, तो इसके पास जितनी भी आएंगी इसका व्यू आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे अभी डकी भाई बड़ा करीब आ गया है, और ये दो तीन घूम रही हैं इधर हमारे पास अभी आ गई हैं, और इनके मज़े हैं, ये मछलियाँ खा रही हैं, नीचे डुबकी लगाती हैं और कोई ना कोई मछली इनको मिल जाती है। ये है जी मेरा एक्शन कैमरा, तो इसको भी मैं पानी में लेकर जा रहा हूँ अंदर, तो ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पानी के अंदर तो वॉइस नहीं जाती, तो आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ जी मछलियाँ ये कहाँ कैसे कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घूम रही हैं, और किनारे के साथ साथ इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ के यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। ये सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ पर मैं ही बैठा हूँ, बिल्कुल करीब है मेरे ये मछलियाँ, तो यहाँ पर पाँव भी रखो तो पाँव के पास आती हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आती हैं पाँव के पास, अगर आप पाँव अंदर रखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पर पाँव रख के बैठे होते हैं अंदर बड़े मज़े से।
इन मछलियों के जो है ना पास से जब भी गुजरती हैं तो बड़े मज़े ले रहे होते हैं। तो आप भी ये नज़ारा देखें अंदर का, ये Insta360 GO 3 की वजह से आप ये सीन देख रहे हैं। ये अभी पाँव मैंने अपने पानी के अंदर रखे हैं, तो देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में मेरे पाँव के पास आ गई हैं। और ऐसे ही जहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, तो वैसे ही पाँव इधर रख के बैठे रहते हैं। तो आप भी कभी आएँ तो ये ट्राई ज़रूर करें, ये बड़े मज़े का सीन है। ये गहराई है जिससे हम आ रहे थे, अभी दोबारा वापस हम चढ़ने लगे हैं क्योंकि हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ नहीं, एक शॉपिंग मॉल में जाएंगे। तो वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने वाला हूँ।